बालाघाट के नवेगांव पुलिस ने लूट के चार आरोपियों को वारदात के 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि 8 अगस्त को चार लुटेरों ने स्थानीय व्यापारी की आंख में मिर्ची झोंक कर उससे 17,000 रुपए लूट लिए थे। 8 अगस्त की रात 8:15 बजे ग्राम भमोड़ी निवासी कियोस्क संचालक रूपलाल रंग डाले घर जा रहे थे, तभी दो युवकों ने आंखों में मिर्ची झोंक कर उनका बैग लूट लिया और फरार हो गए थे। प्रार्थी की शिकायत पर ग्रामीण थाना पुलिस नवे गांव ने तुरंत पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और 12 घंटे के भीतर ही लूट के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई सामग्री, लैपटॉप, बायोमेट्रिक डिवाइस एवं ग्राहक की ऋण पुस्तिका सहित नगद कैश बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने बताया कि कोसमी निवासी चारों आरोपियों ने अपनी नशे की लत को पूरा करने तथा अपना कर्ज चुकाने के लिए लूट की घटना को अंजाम दिया था। इन चारों आरोपियों में से एक आदतन अपराधी है जिसने इस लूट की पूरी योजना को बनाया था। ग्राइंड भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। देखिए, 8 अगस्त की रात को हमारे पास ये सूचना आई थी कि ज्ञानेश्वर रंगडाले, जो कि निवासी भमोड़ी गांव के हैं जो ग्रामीण थाना अंतर्गत आता है, वो अपनी कियोस्क दुकान जो कोसमी में है उसको बंद कर कर घर जा रहे थे अपने भमोड़ी गांव। तो भमोड़ी की जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके कुछ 100-200 मीटर बाद उनके साथ दो बाइक सवारों में, जो कि मुँह का कपड़ा बांधे हुए थे, उन्होंने उनको आँख में मिर्ची झोंककर और उनके साथ लूट की वारदात कायम की थी, जिसमें उनके साथ कुछ हाथापाई भी हुई थी। उनका एक बैग था जो कि बैग को लेकर जिसमें कुछ कैश था, एक लैपटॉप था, उनके कियोस्क से संबंधित दस्तावेज, आधार कार्ड ये थे उसमें, वो लेकर तरफ भाग गए थे उनसे लूट करके। तो उन आरोपियों की दस्तियाबी के लिए थाना प्रभारी ग्रामीण के निर्देशन में एक हमने टीम गठित की थी और वो टीम उस प्रकरण के बाद से ही पूरी रात उन्होंने मेहनत करी, मुखबिरों को जो है वो मामूर किया, मुखबिरों को लगातार उनसे पूछताछ की, कुछ संदिग्ध हमारी नज़र में आए उनसे लगातार पूछताछ की, पूरे क्षेत्र में जितने CCTV कैमरे पड़ते हैं उन सबका अवलोकन किया और उसके बेसिस पर हमारे पास 4 आरोपी हमें इसके पास मिले, जिनसे जो कि जिन्होंने लूट की वारदात करना कबूल किया। इनमें से 2 जो थे उन्होंने लूट कारित की थी और जो 2 थे वो इस पर नज़र रखे हुए थे कि इसने की उस दुकान बंद कब करी, और जो जिन्होंने लूट करी है उनको लगातार इसके मूवमेंट की सूचना दे रहे थे। तो चारों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से कुल जुमला लगभग 97,000, ठीक है, 97,000 रुपये का जब्त किया गया है और उसमें जो बैग था, जो फरियादी का जो बैग था वो भी जब्त हुआ है, लैपटॉप भी मिला है और जो उसके पूरे कियोस्क से दस्तावेज, बैंक की पासबुक थी, बायोमेट्रिक डिवाइस थी, वो सब भी इनके पास से जब्त हुआ है और उन्होंने लूट की जो घटना है वो कारित करना स्वीकार किया। सर, लूट की जो राशि की बताई थी जी, उन्होंने बताई थी इसमें बरामदगी में जितना हमें मतलब तत्काल कार्रवाई में और इनके जो घर से जो जब्त हो पाया वो इतना जुमला जो मैंने आपको बताया 97,000 का है। इसके अलावा इसमें एडेड लैपटॉप भी है, ठीक है, और जो और इसके बाद पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने कहीं पैसा और कहीं तो नहीं छुपाया है या किसी के पास रख दिया है, उस संबंध में अभी उनसे और पूछताछ की जा रही है। सर, ये आरोपी ने जो लूट की है उसके पीछे का मकसद क्या था? देखिए, ये बेरोजगारी है, ये आरोपी जो है बेरोजगार है और नशे के आदि हैं, तो जो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है वो नशे की आदत को पूरा करने के लिए और अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए इनके द्वारा। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है? हाँ, इसमें एक जो मेन जो आरोपी है वो है योगेंद्र दमाहे। योगेंद्र दमाहे के पूर्व में भी अपराध है, 3 से 4 अपराध उसके हैं। संयुक्त रूप से चारों लोगों ने मिलकर किया है। और सर, इसमें किन किन धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीकृत? इसमें 392 और 394 के तहत IPC के तहत मामला दर्ज हुआ है और जो चारों आरोपी हैं उसमें एक मुख्य है जिसने इसकी आँख में मिर्ची झोंकी थी, वो योगेंद्र दमाहे है, और फिर उसके बाद दुर्गेश मांद्रे एक साथ में था, सागर सोलंकी है और राज उर्फ महाकाल नकपुर है, ये चारों। 8 तारीख की बात है, ये ज्ञानेश्वर रहांगडाले भमोड़ी का निवासी है जो कोसमी में अपना कियोस्क सेंटर चलाता है। 8 तारीख को शाम को ये अपना कियोस्क सेंटर बंद करके नकदी 3,17,000 रुपये और लैपटॉप, बायोमेट्रिक मशीनें और कागजात
लेके अपने घर जा रहा था। जैसे ही ये चीचगांव भमोड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचा तो आरोपी योगेंद्र दमा है और राज उर्फ महाकाल जो निवासी कोसमी के हैं, इनके द्वारा फरियादी के साथ लूट की घटना घटित की गई। आरोपियों में दो और हैं, दुर्गेश मांदरे और सागर सोलंकी, ये भी लूट में शामिल थे इनके साथ। टोटल चार आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सर मतलब जो लूट के आरोपी थे इनके पास से क्या क्या सामग्री बरामद हुई? इनके पास से लैपटॉप, बायोमेट्रिक मशीन, 97,100 रुपये नकदी, जिसमें से 13,500 का उसने मोबाइल खरीदा था। आपको तो फरियादी उसने 3 लाख कुछ की लूट की बताया है, क्या वो सत्य है क्या? कहाँ तक नहीं, उसकी जांच चल रही है। सर ये जो आरोपी पकड़ा है क्या ये आजतन आरोपी, इससे पहले भी ने इस टाइप की कोई घटना को अंजाम दिया? हाँ, ये योगेंद्र दमाहे के ऊपर मारपीट के केस दर्ज है। अभी क्या कर रहे हैं? गिरफ्तारी हो गई है, आज न्यायालय पेश किया जाए। सर ये जो चारों आरोपी हैं ये आदतन अपराधी हैं? इसमें से योगेंद्र दमाहे के ऊपर मारपीट के थाने में केस दर्ज है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।